ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो ये मानते हैं कि कामयाब उद्यमी बनने के लिए उच्च शिक्षा, अच्छी पूंजी और भी बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। गौतम अदानी एक ऐसा नाम है जो उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो ये मानते हैं कि कामयाबी के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। गौतम अदानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय में हुई। उसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में कॉमर्स में दाखिला लिया और दूसरे वर्ष के पश्चात ही उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री बीच में ही छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता के टेक्सटाइल के व्यापार को न संभाल कर अपने लिए अलग राह चुनने का फैसला लिया और चंद सौ रुपए लेकर 18 वर्ष की आयु में मुंबई जाकर करियर बनाने का फैसला लिया। मुंबई जाकर उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के पास डायमंड सॉर्टर का काम किया। 2 साल तक वहां काम करने के बाद उन्होंने अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज का व्यापार शुरू कर दिया और उनका दावा है कि उन्होंने अपने व्यवसाय से पहले ही साल में 1 मिलियन रुपए कमाए। 1980 के दौर में जब गौतम मात्र 20 वर्ष के थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। बाद में 1981 में गौतम के बड़े भाई मनसुख अदानी ने उन्हें अपनी नई खरीदी हुई प्लास्टिक फैक्ट्री को चलाने के लिए वापस अहमदाबाद बुला लिया और यहीं से गौतम अदानी की कामयाबी की असली शुरुआत हुई। उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का आयात शुरू कर दिया जो कि प्लास्टिक बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल है। भाई के साथ काम करते हुए उन्हें काफी अनुभव हो गया और वे विदेशी व्यापार की पेचीदगियों को अच्छे से समझ चुके थे, जिसकी बदौलत उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की। ये गौतम अदानी की व्यावसायिक सोच, दूरदृष्टि और उनकी कठोर मेहनत का ही परिणाम है जिसने अदानी ग्रुप को भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में शामिल कर दिया। गौतम अदानी को लोग गौतम भाई कह कर बुलाते हैं। उन्हें बड़े बड़े जोखिम उठाने के लिए जाना जाता है। आज अदानी ग्रुप में 50 के करीब कंपनियां हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर शेयर करें।